श्री कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश या वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्म योगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं 16 कलाओं के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री धन संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो तथा वो आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ न जाए, वो प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। श्री कृष्ण के दर्शन से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। भू, अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी की एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाली जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वो अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया था, इसीलिए ये कला भी उनमें मौजूद है। कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। जिसके मान सम्मान व यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः अपने मन से श्रद्धा एवं विश्वास रखते हो, वो तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। लोग सहर्ष श्री कृष्ण का जयकार करते हैं और उनके मोहक रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इला, वाणी की सम्मोहकता। चौथी कला का नाम है इला, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। लीला, आनंदोत्सव। पांचवी कला का नाम है लीला। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। कांति, सौंदर्य तथा आभा। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वो छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में ये कला मौजूद थी। कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। कृष्ण के इस कला के कारण संपूर्ण ब्रजमंडल कृष्ण की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर मोहित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। विद्या, मेधा, बुद्धि। सातवीं कला का नाम विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद थी।
कृष्ण वेद वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी श्री कृष्ण परिपूर्ण थे। विमला पारदर्शिता, जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो, वो आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा। महाराज के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ संभाव से नृत्य करते हुए सभी को आनंद प्रदान किया था। उन्होंने उत्कर्षिणी प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नौवीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सके। ज्ञान नीर और क्षीर विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो दसवीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, ये कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। क्रिया कर्मण्यता 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वो कृष्ण सामान्य मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, किंतु अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। योग चित्त लय, जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वो 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से ही श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की थी, उसको पुनर्जीवन प्रदान किया था। प्रहवी अत्यंतिक विनय। 13वीं कला का नाम है प्रवही। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन भी इन्हीं के हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं में पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। ये श्री कृष्ण की विनयशीलता है। सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। ये कला केवल कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों से होगा, तो श्री कृष्ण ने निसंकोच होकर कहा कि ये विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना ही होगा। इसना आधिपत्य। 15वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वो लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए
तैयार करना। जरासंध से अपने मथुरा वासियों का रक्षण करने हेतु श्री कृष्ण सभी को द्वारका नगरी ले गए। अनुग्रह उपकार, बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, ये 16वीं कला है। भगवान कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, किंतु जो भी उनके पास उनका मन कराता है उसकी हर मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इसी पूर्णता तथा पारंगतता के लिए ही संपूर्ण पुरुष कहा जाता है। वे सांख्य दर्शन की एकमात्र पुरुष है। भगवान कहते ही उसे हैं, जिसे सामान्य मनुष्य कभी सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। असंभव को सदा संभव करने वाला ही भगवान होता है। जय श्री कृष्ण।